बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने बताया है कि पहली बार किस तरह से पति सैफ अली खान ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। जी हाँ, ये मौका था फिल्म टशन की शूटिंग का, जहां करीना कपूर और सैफ अली खान की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। बता दें, सैफ और करीना ने साल 2012 में शादी की और फिल्म टशन साल 2008 में रिलीज हुई थी। करीना कपूर ने इंटरव्यू में बताया कि हम ग्रीस में फिल्म टशन की शूटिंग कर रहे थे और सैफ ने मुझसे कहा, मैं सोच रहा हूँ हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद मुझे यही बात सैफ से लद्दाख में भी कही। उन्होंने कहा, हम बहुत अच्छे कपल बनेंगे। और मैंने उस वक्त सैफ को कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं। तो मेरा ये जवाब ना ही था, बल्कि मैं कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हें जानती नहीं, लेकिन बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। बता दें, सैफ अली खान और करीना कपूर कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं, जैसे टशन, कुर्बान और एजेंट विनोद। ऐसी पहली बार नहीं है जब करीना कपूर ने अपने और सैफ की लव स्टोरी के बारे में बात की हो। इससे पहले भी करीना ने कहा था कि मैं सैफ से पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन फिल्म टशन के वक्त हम दोनों के बीच कुछ नया एहसास था। मैं सैफ के लिए कुछ अलग सा फील कर रही थी। सैफ और करीना ने 16 अक्टूबर 2012 में शादी की थी। दोनों के एक बेटे हैं तैमूर अली खान और अपने पैदा होने के दिन से ही इंटरनेट पे छाए हुए रहते हैं। तैमूर की हर तस्वीर और वीडियो दर्शक बेसब्री से देखने के लिए बेताब रहते हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।